हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज है 27 अप्रैल। सो 27 अप्रैल के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस होंगे वो सब इस लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे, प्लस इनका जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन होगा वो भी साथ में आपको बताया जाएगा। सो लेक्चर पूरा देखिएगा। ज़्यादा नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही में इसके जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर हैं उनके नोटिफिकेशन, उनके अपडेट आपको मिलते रहें। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो PDF आपको बता दूं कि टेलीग्राम पे आपको मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, उस लिंक का भी क्लिक करके टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर आपको PDF मिल जाएगा। या फिर अगर आपने ऑलरेडी टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है तो उस पर आप @currentaffairsbyravi लिखकर सर्च करेंगे तो हमारा करंट अफेयर का पर्सनल ग्रुप आ जाएगा, वहाँ से PDF मिल जाएगा आपको। या फिर @shriEducation भी लिखकर सर्च कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको PDF भी मिल जाएगा और जितने भी लेक्चर अपलोड होते हैं चैनल पर उनके नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। सो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा PDF के लिए। आज के करंट अफेयर शुरू करने से पहले कल आपको एक टेस्ट क्वेश्चन दिया गया था, वो डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। सो कल का टेस्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया, तो उस राज्य का नाम है मणिपुर। मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया गया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एंग्लो मणिपुर जो युद्ध हुआ था, ब्रिटिश साम्राज्य और मणिपुर साम्राज्य के बीच में जो युद्ध हुआ था, जिसमें हमारे मणिपुर साम्राज्य के जितने भी सैनिक मारे गए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये खोंगजोम दिवस मनाया जाता है, ठीक है। सो ये इम्पोर्टेंट आपको नोट करना है। काफ़ी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया था, प्लस मणिपुर का जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन था वो भी रिपीट किया था। अब स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर्स। और आज का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब सेलिब्रेट किया गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो दिन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ये हाल ही में 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे है ये, 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। इंपॉर्टेंट आपको नोट डाउन करना है। और अगर 2020 में ये दिन सेलिब्रेट किया गया तो सबसे पहले आपको इसका पता होना चाहिए थीम। सो इस साल का थीम है इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। क्या थीम है? इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपको नोट डाउन करना है, इसका थीम, इस साल का थीम है ये 2020 का। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, बौद्धिक संपदा होती क्या है एक्चुअल में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं। सो किसी भी इनटेंजिबल प्रॉपर्टी को, किसी भी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोला जाता है। इंटेंजिबल प्रॉपर्टी जैसे कि पेटेंट, कॉपीराइट, उसका ट्रेडमार्क, ये सब होती है बौद्धिक संपदा। इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये जो दिन है बौद्धिक संपदा दिवस, इसका उद्देश्य क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकार जो है, बौद्धिक संपदा अधिकार के थ्रू क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए और वो सोसाइटी के लिए कैसे हेल्पफुल है उसको लोगों को बताने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पर ये भी आपको बता दूँ कि ये जो दिन है ये WIPO के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बार इस दिन को मनाए जाने की घोषणा 2000 में की गई थी, ठीक है। सन 2000 में इस दिन को मनाए जाने की घोषणा की गई थी और WIPO के द्वारा ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। WIPO क्या है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। क्या फुल फॉर्म है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म आपको नोट करनी है। और उसके बाद आपको पता चाहिए कि WIPO की जो स्थापना है 1967 में हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर है ना ये स्विट्जरलैंड में, जेनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड में है जेनेवा के अंदर। उसके बाद DG, डायरेक्टर जनरल का नाम पता होना चाहिए, तो WIPO के डायरेक्टर जनरल है फ्रैंकिस गुरी। क्या नाम है? फ्रैंकिस गुरी। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको नोट करनी है इस क्वेश्चन के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अप्रैल के मंथ में जो इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए थे उसकी लिस्ट आपको टेलीग्राम पे दे दी गई है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सार्क सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो सार्क सम्मेलन हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया था और इसकी मेजबानी की है पाकिस्तान ने। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। सबसे पहले आपको बता दूँ कि सार्क देशों की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, सार्क देशों के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनकी ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी जिसकी मेजबानी की है पाकिस्तान ने, ठीक है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो सार्क स्वास्थ्य मंत्रियों की
बैठक ऑर्गेनाइज की गई थी, इसे COVID-19 की वजह से ही ऑर्गेनाइज किया गया था, ताकि COVID-19 महामारी को कैसे ख़त्म करना है और उसमें ये जो सार्क कंट्रीज हैं वो एक दूसरे की कैसे हेल्प कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा की गई है। ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए कि ये मीटिंग क्यों ऑर्गेनाइज की गई है। पाकिस्तान ने इसकी मेज़बानी की है, तो पाकिस्तान के बारे में स्टैटिक जीके वाला पोर्शन देखेंगे, उससे पहले आपको सार्क के बारे में पता होना चाहिए। सो देखिए, सबसे पहले सार्क के फुल फॉर्म डिस्कस करेंगे। तो सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। क्या फुल फॉर्म है? साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। और सार्क की जो स्थापना है, सार्क देशों की जो स्थापना है, ये 1985 में हुई थी। और सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में है, नेपाल के अंदर। कहाँ पर है? काठमांडू में। और यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल का नाम भी पता होना चाहिए, तो सार्क देशों के जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है इसाला विरकून। ये इम्पोर्टेंट आपको नोट डाउन करना है। और इसके बाद सार्क देशों के मेंबर कौन कौन सी कंट्रीज है उनके नाम भी आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो सार्क देशों की जो मेंबर है उनका नाम, पहला है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान मेंबर है सार्क की। उसके बाद बांग्लादेश, तीसरा है भूटान, चौथा है भारत, उसके बाद पांचवा है मालदीव, छठा देश है नेपाल, और सातवां है पाकिस्तान, और आठवां देश है श्रीलंका। ये आठ कंट्रीज सार्क की मेंबर हैं। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया, ये स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन था। तो हमारे भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर, उनका नाम पता नहीं। तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। क्या नाम है? डॉक्टर हर्षवर्धन। ये इंपॉर्टेंट आपको नोट डाउन करना है। अब यहाँ पर पाकिस्तान के बारे में बताऊंगी। पाकिस्तान ने इसकी मेजबानी की थी, और पाकिस्तान यहाँ पर स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है आपके लिए। सो यहाँ पर पाकिस्तान, इसकी कैपिटल इस्लामाबाद, करेंसी है रुपी, प्रेसिडेंट है अरीफ अलवी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। ठीक है, सो ये आपको पाकिस्तान के बारे में नोट करना है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका ICT दिवस कब मनाया गया, यानी कि इंटरनेशनल गर्ल इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डे। ठीक है, ये आपको नोट करना है, इंटरनेशनल गर्ल इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डे कब सेलिब्रेट किया गया। तो ये दिन 23 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये फोर्थ टाइम सेलिब्रेट किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय बालिका ICT दिवस। यहाँ पर ICT की फुल फॉर्म मैंने बता दी आपको, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये दिन क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य आपको बताऊंगी। देखिए, ये दिन इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लड़कियों को ना सिर्फ पढ़ने और करियर बनाने के लिए इनकरेज किया जाए, बल्कि उन्हें सशक्त यानी कि स्ट्रांग बनने के लिए भी इंकरेज किया जा सके। और जो ICT है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें बड़ी बड़ी पोस्ट पर उन्हें पहुंचने के लिए भी इंकरेज किया जाए। ठीक है, तो इसीलिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल गर्ल इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डे। अब यहाँ पर अगर 2020 में ये दिन सेलिब्रेट किया गया है ICT दिवस, इंटरनेशनल गर्ल ICT दिवस, तो इसका थीम आपको पता होना चाहिए। तो इस साल का थीम है एक्सपेंड होरिजन चेंज एटीट्यूड। ये 2020 का थीम है, इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने COVID-19 दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया। तो उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है आपका। उत्तराखंड के अंदर जो USDMA है, यानी कि उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उनके द्वारा ये COVID-19 दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया गया। ठीक है, USDMA की फुल फॉर्म मैंने बता दी है, फिर से रिपीट कर देती हूँ, उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, और ये दृष्टि पोर्टल इन्होंने इसलिए लॉन्च किया ताकि उत्तराखंड के अंदर COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस के बारे में लोगों को सही और सटीक जानकारी प्रोवाइड की जा सके, और COVID-19 के कितने केसेस हैं उत्तराखंड के अंदर उसका भी डाटा प्रोवाइड किया जा सके नागरिकों को, इसीलिए ये दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया गया। उत्तराखंड के बारे में स्टैटिक जीके वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे। सो देखिए, यहाँ पर उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, CM यानी कि मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और गवर्नर है बेबी रानी मौर्या। अब उत्तराखंड के अंदर लोकसभा सीटें 5, राज्यसभा सीटें 3, विधानसभा सीटें 70 हैं, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड का फोक डांस है भारतनाट्यम, और नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई उत्तराखंड के बारे में। आज का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय चेर्नोबिल आपदा स्मरण दिवस कब मनाया गया। तो इंटरनेशनल चेर्नोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे जो है, ये हाल ही में 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही, 26 अप्रैल को दो इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए। पहला मैंने आपको बताया था अभी, वर्ल्ड
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, और दूसरा अभी मैंने आपको पढ़ाया ठीक है इंटरनेशनल चेर्नोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे 26 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये दिन किसके द्वारा मनाया जाता है, तो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहले आपको ये दिन क्यों मनाया जाता है इसका उद्देश्य बताऊंगी। सो 1986 की परमाणु आपदा की वर्षगांठ के रूप में से मनाया जाता है, 1986 में जो परमाणु आपदा हुई थी उसकी वर्षगांठ के रूप में से मनाया जाता है। और इसका मेन उद्देश्य ये भी है कि परमाणु ऊर्जा के कारण जो लॉसेस हो सकते हैं, जो लोगों को हार्म हो सकता है, नुकसान हो सकता है, उसके बारे में भी लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट आपको नोट करना। और यूएन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के बारे में। स्थापना इसकी 1945 में यूएन की, ठीक है, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में यूएसए के अंदर। उसके बाद सेक्रेटरी जनरल का नाम याद है, तो सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस, और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी है अमीना जे मोहम्मद। ये आपको संयुक्त राष्ट्र के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी की सीईओ का नाम बताना है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो उनका नाम है सीमा नंदा, ए ऑप्शन सही है। सबसे पहले बता दूं कि डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी जो है ये अमेरिका में है, ठीक है, अमेरिका की जो डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी है उसका जो भी कामकाज होता है वो डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इनकी सीईओ थी सीमा नंदा, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नाम याद रखना है सीमा नंदा का, और ये भी याद रखना है कि जो सीमा नंदा है ये पहली डेमोक्रेटिक की पहली सीईओ थी जो कि भारतीय और अमेरिकी थी, भारतीय अमेरिकी नागरिक थी, और इन्हें 2018 में डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया था। अब यहाँ पर डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ये कमेटी क्यों स्टैब्लिश की गई थी ये मैंने आपको बता दिया। सो देखिए, डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी की जो स्थापना है ये 1848 में हुई है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में यूएसए के अंदर, और इनके जो चेयरमैन है उनका नाम है टॉम प्रेज। क्या नाम है? टॉम प्रेज इसके चेयरमैन है। और सीईओ का नाम मैंने बता दिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, सीमा नंदा पहले सीईओ थी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व प्रयोगशाला दिवस यानी कि वर्ल्ड लेबोरेटरी डे कब सेलिब्रेट किया गया, तो ये दिन हाल ही में 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट आपको नोट डाउन करना है। देखिए, इसे वर्ल्ड लेबोरेटरी डे भी बोला जाता है, विश्व प्रयोगशाला दिवस भी बोला जाता है, प्लस इसे वर्ल्ड डे ऑफ एनिमल इन लेबोरेटरी ये भी बोला जाता है, वर्ल्ड डे इन एनिमल इन लेबोरेटरी डे भी बोला जाता है इसे। और आपको बता दूं कि ये जो दिन है इस दिन को मनाए जाने की स्थापना 1979 में की गई थी, और ये जो दिन है NAVS यानी कि नेशनल एंटी बेबी सेक्शन सोसाइटी के द्वारा ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। किसके द्वारा? नेशनल एंटी बेबी सेक्शन सोसाइटी के द्वारा ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि यूके के अंदर है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर है, इंग्लैंड में, ठीक है। और आपको ये भी बताऊं जी कि ये जो दिन है 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, तो ब्रिटिश एयर चीफ मार्शल थे जिनका नाम था ह्यूम डाउनिंग। क्या नाम था? ह्यूम डाउनिंग। उनके जन्मदिन के अवसर पर ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ब्रिटिश के बहुत ही फेमस एयर चीफ मार्शल थे ह्यूम डाउनिंग, उनके जन्मदिन के अवसर पर उनकी वर्षगांठ पर ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 24 अप्रैल को, ठीक है। अब उनकी वर्षगांठ पर इसलिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि जो ह्यूम डाउनिंग थे ना, ये एक एंटी बेबी सेक्शनिस्ट थे। कौन थे? एंटी बेबी सेक्शनिस्ट थे। अब ये बेबी सेक्शनिस्ट कौन होते हैं? तो ऐसे डॉक्टर्स जो कि जिंदा एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, एनिमल्स के ऊपर जो लाइव एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं अलग अलग टाइप के, उन्हें बोलते हैं बेबी सेक्शनिस्ट, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट आपको नोट डाउन करना है। सो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता लगी इस क्वेश्चन के बारे में। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज का। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर ग्रीम वॉटसन का निधन हो गया, तो उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही फेमस क्रिकेटर, बहुत ही फेमस ऑलराउंडर थे ग्रीम वॉटसन, जिनका हाल ही में निधन हो गया। नाम याद रखना है आपको। और ये भी पता चाहिए कि 1966 से लेकर 1972 तक इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 5 टेस्ट मैचेस खेले थे, ठीक है। सो ऑस्ट्रेलिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ग्रीम वॉटसन ऑस्ट्रेलिया के थे। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन। ये आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड बातें। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यसभा सदस्य बसंत दास का निधन हो गया, उस राज्य का नाम है उड़ीसा। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, उड़ीसा के ये पूर्व राज्यसभा सदस्य थे, और 1990 से लेकर 1996 तक, 1990 से लेकर 1996 तक ये
उड़ीसा राज्य के राज्यसभा सदस्य रहे थे, ठीक है। नाम याद रखना है बसंत दास। और उड़ीसा के बारे में स्टैटिक जीके वाला पोर्शन नोट कर लेते हैं। यहाँ पर उड़ीसा कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम का नाम है नवीन पटनायक और गवर्नर है प्रोफेसर दिनेश शर्मा। उड़ीसा के अंदर लोकसभा सीटें 21 हैं, राज्यसभा सीटें 10 और विधानसभा सीटें 147 हैं। फोक डांस है घूमरा और छऊ और नेशनल पार्क है भितरकनिका नेशनल पार्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई उड़ीसा राज्य के बारे में। और आज का आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने जल संरक्षण योजना शुरू की है? तो इन चारों ऑप्शन में से आपका ए ऑप्शन सही है, ठीक है। हाल ही में गुजरात राज्य ने एक जल संरक्षण योजना शुरू की है। इस योजना का नाम आपको बताना है, जो योजना का नाम है सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। क्या नाम है? सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, जिसका थर्ड जो फेज है वो शुरू किया गया हाल ही में। और इस योजना के तहत क्या होगा कि वाटर को सेव करके रखा जाता है ताकि मॉनसून के मौसम में इसे यूज किया जा सके। और यहाँ पर गुजरात का जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो भी आपको बता देती हूँ। सो यहाँ पर गुजरात, इसकी कैपिटल है गांधीनगर, सीएम का नाम है विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात के अंदर लोकसभा सीटें 26, राज्यसभा सीटें 11, विधानसभा सीटें 182 हैं। फोक डांस है गरबा और नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई गुजरात के बारे में स्ट्रैटेजी जीके वाला पोर्शन। और ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज वाले जो क्वेश्चन थे वो आपको पढ़ाए गए हैं, प्लस उनके थीम भी बताएंगे, तो वो आपको नोट डाउन करने हैं। और लेक्चर कैसा लगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और सबसे पहले टेस्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का टेस्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया, इन चार ऑप्शन में से बताना है आपको। क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में ही देना है। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़ रहे हमारे साथ। थैंक यू।